दोनों में बहुत मजा आया था, बट आई हैव टू से आई हैव वेरी वेरी बिग मेमोरीज ऑफ करण अर्जुन. एक्चुअली आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ करण अर्जुन. एक्शन जिसे कहते हैं वो करण अर्जुन में हुआ था, क्योंकि क्लाइमैक्स में उस वक्त मुझे लगा गॉड शूटिंग है यहाँ पे जयपुर में, हम लोग शूटिंग करेंगे क्लाइमैक्स में गर्मी में. और उस वक्त बिकुदा ने मुझे बोल दिया कि बेटा डोंट वरी. तो he said, now just give a reaction over there, और फिर तुझे चोट लग जाएगी और फिर तू बेहोश हो जाएगी. तो उन्होंने वही किया मेरे साथ, मैं बेहोश हो गई, पूरी फाइट वाइट खत्म हो गई और मैं बॉम्बे चली गई. और मैं वापस आई जब मतलब पूरी फाइट खत्म हो चुकी थी, क्लाइमैक्स खत्म हो चुका था, अमरीश जी वाज किल्ड एंड ऑल. आफ्टर दैट आई अराइव्ड एंड आई वोक अप, ओह मैं उठ गई, क्या हुआ. और हम लोग गर्मी के अंदर सड़ रहे थे और एक्शन कर रहे थे, बट आई एंजॉयड जो भी फिल्म मैंने काजोल के साथ किया, मैंने एंजॉय किया. और एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि हमने हर किस्म का जॉनर किया है, इंक्लूडिंग जो अभी दिलवाले के अंदर है, जो बहुत ही अलग और एंग्स्टी और डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी. बट आई हैव टू से दैट जाती हूं मैं वाज अ फनी सॉन्ग. जाती हूं मैं वेरी वेरी फनी सॉन्ग, क्योंकि मैंने और काजोल ने ज्यादा एक्चुअली एक्शन फिल्में उस प्रकार की नहीं की, करण अर्जुन टाइप जो एकदम देसी किस्म की एक्शन फिल्में होती हैं, इन योर फेस. और उसके अंदर ऑब्वियसली जो कमर्शियल पॉपुलर सिनेमा है वो कई सारी चीजें हैं, अदायगी हैं, जैसे हमने कुछ कुछ होता की है, बाजीगर जो अलग थी, दिल वाले हमारा थोड़ा सा अर्बन काइंड ऑफ रोमांस रहा है, लेकिन करण अर्जुन के अंदर जो जाती हूँ मैं है वो बड़ा ही तड़ाकेदार तड़केदार पटाखे वाला रोमांस. ऐसे ऐसे हमने गाने इतने किए नहीं है तो, और हम लोग इतने हंसे थे हम उस वक्त, बिकॉज आई थिंक हम दोनों ने कभी ऐसा गाना किया ही नहीं था. एंड हम दोनों को हर चीज बहुत फनी लग रही थी उस वक्त. तो रेखा जी आई थिंक स्पेशली वो जो एक स्ट्रॉ के साथ उसकी कवर के ऊपर मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे ऐसे करती है, तो वो बड़ा अजीब था, हम दोनों के लिए बहुत अजीब था. और राकेश जी थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता था हमसे कि हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं. आई थिंक हमसे काफी गुस्सा हो गए थे उस वक्त, लेकिन करण अर्जुन वाज गुड, वी हैड फन, वी हैड लॉट ऑफ लाफ्टर. सॉरी राकेश जी कि हमने आपको तकलीफ दी और तंग किया उस गाने के अंदर, लेकिन आज भी अगर आप हमसे वैसा गाना कराओगे तो हम वैसे ही हंसते रहेंगे. जय माँ काली. ये मेरा लोएस्ट पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है किसी फिल्म के साथ. मैं अस्तबल के अंदर घोड़ों की सेवा करता हूँ. गोबर उठाते हो? हाँ, मतलब मैंने ऐसा, मतलब ये नहीं कि वो काम बुरा है, लेकिन मुझको कभी भी इतना लो लेवल एम्प्लॉयमेंट मुझे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया. पढ़ा लिखा आदमी था, मुझे लगा मुझे बेटर जॉब मिलेगी, मैनेजर. मेरे जो फादर थे, मेरी जो बहन है, वो घोड़े पालते थे. तो एक्चुअली मेरा नाम भी, मेरी बहन का नाम भी लाला रुख शाहरुख उनके घोड़ों के नाम से रखा गया, बहुत कम लोगों को मालूम. एंड दे वर ग्रेट राइडर्स एंड दे लव राइडिंग. मुझे अजीब लगता है जानवर के ऊपर राइड करना, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, ऊंट हो, गाय हो, जिराफ हो, मुझे बड़ा गलत लगता है. मुझको थोड़ा सा ऑड लगता है टू कंट्रोल पीपल लाइक दिस. और करण अर्जुन के अंदर ही जब एक शॉट है सलमान और मैं ऐसा तलवार, सलमान बहुत अच्छी घुड़सवारी करते हैं और राकेश जी भी बहुत अच्छी घुड़सवारी करते हैं, भीकुदा भी बहुत जो एक्शन मास्टर थे, तो उन्होंने मुझे घोड़े बिठाया, तो फिक्र मत को, तू चिल्लाता हुआ भागना, मैं तेरे साथ भागता रहूंगा. तो मैंने कहा तेज भागू, वहां सलमान ने कहा तेज चलना तू जा, तो मैं भी तेज करता चला गया ऐसा. और वो एक शॉट हम दोनों आ रहे थे तलवार लेके ऐसा करके, और फिर वो घोड़े ने जो थे बीट बोलते हैं उसको शायद, घोड़े ने वो बीट पकड़ ली अपने मुंह में और वो रुका नहीं, और मैं शॉट खत्म हो गया और हमको रुकना था, मेरा घोड़ा चला गया और ऐसा मेरी तरफ, मतलब सड़कों की तरफ, पीछे देख रहा हूँ कोई भी नहीं था, वो घोड़ा रुक ही नहीं रहा था यार. फिर वो राकेश जी भीकुदा सलमान वलमान आए, उन्होंने मुझे कुछ रोका वगैरह, घोड़ा कोई सड़कों पे जाके बीच में खुद ही रुक गया एकदम बीच में. मैं बहुत डर रहा था हिलने के लिए कि मैं हिलूंगा तो फिर भागेगा वो. तो मैंने कसम खाई है कि मैं घोड़ों के साथ फिल्में नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू राइड हॉर्सेस इन माय फिल्म. गाना गाना था उसके लिए? नहीं, कौन सा? या तो वो गा रहा था जाती हूं मैं. ये एक घोड़ी और एक वो वाला घोड़ा, ये दोनों ने जो पहले जाती हूँ मैं गाना गाया, मैं बिल्कुल भी किसी घोड़े के साथ नहीं करूंगा. I had the worst experience process यार. वो एक रवीना के साथ भी फिल्म की थी जमाना दीवाना, उसमें भी वो घोड़ा से ही करके मैं नाक को मारा उसने अंदर से यार. मैं बड़ा ही ऑकवर्ड और क्लम्सी हूँ घोड़ों के साथ, और मैं घोड़ों के साथ नहीं काम करूंगा, मैं सिर्फ काजोल के साथ काम करूंगा अगली फिल्म. Which is the same thing, but बिहाइंड द सीन्स के बारे में सिर्फ ये कहूंगी कि जो इसको बहुत भागना पड़ा. एक तो मेरे को मुझे बहुत भागना पड़ा. नंबर टू, अगर आप वो इस आदमी को देखेंगे जो हमारे सामने खड़ा था, ही इज द बिहाइंड द सीन्स ऑफ द फिल्म एक्चुअली. उसका कोई रिएक्शन नहीं है, ही इज जस्ट वॉचिंग द ट्रेन. वो बस ट्रेन में बैठा हुआ है और देख रहा है, वो पता नहीं पिक्चर देख रहा है अपने दिमाग में, वो पता नहीं क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, बट ही इज वेरी बोर्ड. बट मेरे पास एक बिहाइंड द सीन स्टोरी है. काजोल ने हमको इंट्रोड्यूस किया था, आई डोंट नो तनुजा आंटी नहीं थी तब, आई थिंक रानी की मम्मी आई हुई थी शायद सेट पे. हाँ, आई थिंक कृष्णा आंटी आई हुई थी,
और हम लोग वैन में वेट कर रहे थे, अनुपम आई थिंक 2 या 3 बजे आने वाले थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे उनका आने का आपटा गांव में, वहां पे सीक्वेंस शूट किया था। और काजल ने हमको एक गेम इंट्रोड्यूस कराई थी, माइंड ट्रैप टाइप, टेंजेंशियल थिंकिंग, कुछ क्वेश्चन पूछो एंड हाउ यू आर सपोज टू सॉर्ट आउट, और टेक इट फ्रॉम अ डिफरेंट टेंजेंट, हां डिफरेंट एंगल से एक सवाल होता है अजीब सा एंड यू हैव टू फाइंड आउट सवाल सुनकर। हम खेल रहे थे सब, एक्चुअली वी ऑल प्लेइंग दैट गेम। और मैं इसको आज बताना चाहता हूं कि वो गेम मैं अपने बच्चों के साथ बचपन से खेलता आ रहा हूं एंड इट रियली हेल्प्स देम टू थिंक डिफरेंटली एंड सो थैंक यू वेरी मच। और मेरा जो बिहाइंड द सीन है वो ये है कि यश जी और आदि और मंजी वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि फिल्म के अंदर कोई एक्शन हो, और वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे। और जैसा मैंने बताया अनुपम वहां पर आ रहे थे, तो 1-1.5 घंटा था उनको आने का, तो मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो पता नहीं था कब आएंगे, लेकिन आ रहे थे। तो मैंने झगड़ कर वो जो फाइट का सीक्वेंस है उसके अंदर परमीत के साथ शूट किया, और परमीत ने शायद कभी फाइट पहले की नहीं थी, और मैंने एक टेक में वो शॉट किया अकबर बख्शी जी के साथ। और वो बड़े परेशान थे यश जी और आदि, उनको तो रोमांटिक पिक्चर एक्शन नहीं चाहिए, ब्लड नहीं चाहिए, बेटा कुछ मत कर ऐसा, मगर जब तक रोमांटिक हीरो है। जब तक अनुपम आएगा मैं शूट कर लेता हूँ, एक सीन प्लीज करो काट लेना आप सीन के, तो फाइट भी होनी चाहिए। मुझे फाइट करने का बहुत शौक था, और मुझे याद है बेचारे बिट्टू बेहोश हो गए क्योंकि एक ही शॉट के अंदर है वो पूरा का पूरा सीन। एंड यश जी एंड आदि वो वेरी एंग्री कि ये पिक्चर में नहीं होगा, बट फाइनली दे केप्ट इट। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे को ब्लड और हाई स्पीड बहुत अच्छी लगती है, मोर देन गर्ल रनिंग आफ्टर अ ट्रेन। तो मेरा बिहाइंड द सीन ये है कि मैंने वो सीन रखाया और मैं बड़ा खुश हूँ कि वो पिक्चर के अंदर। मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग मेरा नहीं है, अमरीश जी का है, जब वो बोलते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सो आई थिंक ये डायलॉग जरूर मैंने अपनी जिंदगी में यूज किया है अपने बच्चों के साथ, जा निशा जी ले अपनी जिंदगी। बोला तो नहीं है लेकिन कोशिश जरूर की है कि ये सेम जो एक फीलिंग है वो उनको दे दूं कि वो अपनी जिंदगी भी जी लें। और आई नो व्हाट अमरीश जी फेल्ट लाइक नाउ, आई नो व्हाट फरीदा जी फेल्ट लाइक नाउ। नो बट मैंने भी जब फिल्म की थी तो मुझको ये बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट इट्स अबाउट इन अ स्ट्रेंज सेंस हम लड़कियों के बारे में अगर सोचे, बहुत मॉडर्न है हम लोग, लेकिन ये सोच अजीब साउंड करे बट आई स्टिल फील कि पेरेंट्स जो हैं कभी कभी जो अपने घर की लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, फॉर हिम टू या प्रोटेक्टिव होते हैं, बट टू बी एबल टू टेल एवरी गर्ल ऑफ योर ओन फैमिली कि जाओ जाओ अपनी जिंदगी जियो, आई थिंक बहुत मॉडर्न था उस जमाने के लिए। एंड आई थिंक हालांकि उनको रियलाइज करने में वक्त लगा फिल्म के अंदर, बट आई थिंक बहुत ही एम्पावरिंग डायलॉग है कि अपने बच्चों को हम कह सके हम अपने ड्रीम्स उन पे ना थोपे और कह सके जाओ जी लो अपनी जिंदगी। आई थिंक मेरे को भी जो फिल्म सुनी थी मुझे सबसे अच्छा लगता था डायलॉग। माय फेवरेट डायलॉग इन द फिल्म इज आओ 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 आओ, और वो कबूतर का रिएक्शन जो था, ओ माय गॉड। और मैं कबूतरों के लिए यूज नहीं करता हूँ, मैं लड़कियों के लिए यूज करता हूँ। जब भी मैं सड़क पर जाता हूँ, कहीं पार्टी में जाता हूँ, मैं जिस लड़की को देखता हूँ, डायलॉग की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार ना जो लड़कियां होती हैं जो प्ले हार्ड टू गेट होती है उनको पता है। आओ आओ आओ, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं आया, सो आई टेल एवरी बॉय डोंट ट्राई दिस डायलॉग। बहुत सारे थप्पड़ और चप्पल पड़ सकती है तुम लोगों को, लेकिन आओ वर्क नहीं करेगा। लेकिन मेरे दिल में ऐसा है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं, ऐसा खड़ा हूं और कहूं आओ, और जितनी भी लड़कियां भागती हुई आ रही हूं हाई स्पीड के, आई एम श्योर दे विल कम रनिंग, डोंट वेज अबाउट इट, बट इट वर्क्स वंडरफुली ऑन कबूतर्स। जामा मस्जिद नहीं, कभी सोचा नहीं कि ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, आई थिंक कभी सोच नहीं सकते। हम पिक्चरें करते हैं बिकॉज वी वुड लाइक टू डू देम, वी हैव फन व्हाइल वी आर डूइंग देम, लेकिन ये सोच के नहीं जाते हैं कि ओ ये पिक्चर 20 साल तक चलने वाली है या कुछ ऐसा। बट एक्चुअली डीडीएलजी जैसी फिल्म जो 20 साल चली है तो कोई भी नहीं सोच सकता एक्चुअली कि 20 साल कोई फिल्म चलेगी, मतलब एक ही केस इन पॉइंट है। और हम लोग सब नए थे, वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ ऑल ऑफ अस, आदि पहली फिल्म बना रहे थे, करण जो उनको असिस्ट कर रहे थे पहली असिस्ट कर रहे थे, सब लोग नए थे उसमें जितने भी लोग थे एक्चुअली, एंड इवन फारा केम इन लेटर, वो भी नई नई थी, सरोज जी सीनियर थे, तो हम में से किसी को ऐसा नहीं लगा, हम तो हंसते खेलते फिल्म बनाए जा रहे थे। और जो सीनियर लोग थे उनको लगता भी था कि ये जो फिल्म बना रहे हैं ये बड़ी गलत सी बना रहे हैं यार, ऐसे हंसते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, सीन भी ऐसे ही है, ठीक काम नहीं कर रहे हैं, मंजी बोलते रहते कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसे चलते चलते शॉट दे रहे हैं। बट आई थिंक उसमें कुछ स्पेशल है जो आदि करण काजोल मैं अमरीश जी हम सबसे हम सबको छोड़ के उसकी अपनी एक जिंदगी है, और आई थिंक अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो हम में से कोई भी उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, बिकॉज ऐसी फिल्में जो बन जाती हैं वो लोगों के प्यार से बनती हैं। None of us can own that film. We can't own that film. मतलब हम कोशिश भी करें तो वैसी फिल्म हम सब ने एक दूसरे के साथ फिर से काम किया लेकिन वैसी नहीं बनी। So obviously that film has a life of its own and we're just grateful कि हम ऐसी फिल्म का हिस्सा बने और शुरुआत में अपने करियर के। एंड आई थिंक जब सक्सेसफुल चीज बनती है दोस्तों के साथ बनती है तो और भी खुशी होती है। So we never thought it'll be a hit film, but it was a great fun doing it.
दिल वाले जब जिद पर आते हैं तो होश उड़ा लेते हैं। वैसे ही एक चैंपियन जब कुछ ठान लेता है तो उसे पाकर ही दम देता है। चैंपियंस होते हैं असली दिल वाले। sonylive.com पर है टॉप इंटरनेशनल स्पोर्टिंग एक्शन।